अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। आपकी साफ साफ मना करने के बावजूद केसर को क्या जरूरत थी उस घर में जाने की? आपकी जरा सी भी फिक्र नहीं है उसे, और फिक्र हो या ना हो लेकिन कम से कम आपकी बात का मान तो रख सकती थी ना। कबीर इस घर में आएगा या नहीं इसका फैसला करने का हक सिर्फ और सिर्फ आपको है अंबिका भाभी। मुझे तो केसर पर इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मैं क्या बताऊं। मतलब सच में आपसे बिना पूछे आपकी बिना परवाह किए उसने इतना बड़ा फैसला ले लिया। केसर कबीर के यहां गई। तुझे क्या लगा था केसर तू कबीर को इस घर में ले आएगी और मैं तुझे ऐसा करने दूंगी ताकि राजकौर खानदान की जायदाद में एक हिस्सा और बढ़ जाए? काका मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। बापूजी की तबीयत बहुत खराब है और उनके ठीक होने की सिर्फ एक ही उम्मीद है, उनका पोता कबीर। अगर वो अपने असली घर राजगौर निवास वापस लौट आएगा तो ही वो ठीक हो पाएंगे। अरे अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है का? कि कौन सी कथा बाज रही हो? कथा कहानी नहीं है काकी, यही सच है। कबीर राजकौर परिवार का बेटा है। तिरेन राजकौर की संतान है वो। हमरे घर में खड़े होके हम ही को गाली दे रही हो, हमसे कह रही हो कि हमरा लल्ला हमरा नहीं है। इससे पहले कि हम अपने पे आ जाएं, तुम यहां से चली जाओ वरना यहीं खड़े खड़े तुमको पूरा बलिया का दर्शन करवा देंगे। निकल जाओ। काकी मैं आपका गुस्सा दुख दर्द सब समझ सकती हूँ, पर ये मेरे बाबूजी की जिंदगी का सवाल है। उनकी हालत इस वक्त बहुत नाजुक है। काका मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे बाबूजी को बचा लीजिए। कबीर को प्लीज अपने घर लौटने दीजिए प्लीज। अरे सुनाई दे रहा है ना, ये लड़की का बकवास कर रही है, कह रही है कि हमरा लल्ला हमरा नहीं है, राजकौर परिवार का है। अरे गूंगे बनके काहे खड़े हैं, कुछ बोल काहे नहीं रहे? सच सच बताकर इसका मुंह बंद कर दीजिए। बोल दीजिए कि हमरा लल्ला सिर्फ हमरा मिटवा है, कबीर हमारा है। अरे कानों में मोम डाल रखे हो का, सुनाई नहीं देता हम का कह रहे हैं। कह दीजिए इसे कि हमरा लल्ला यादव परिवार का खून है, राजकौर परिवार का नहीं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।